A great hello to all class 11 students, and I believe you are doing great. And yesterday I uploaded my first video, and the video was about the definition of economics. Though you are already quite aware about the definition of economics, the role of economics in the economy, what role does it play, we are going to further read about the definitions now. First definition we did was the definition of economics given by Adam Smith, who is the father of economics, and he gave a wealth-oriented definition. Then his definition was criticized by the other economists, especially Alfred Marshall, who criticized the definition. और उन्होंने कहा कि जो Adam Smith की जो definition है वो सिर्फ wealth के मतलब संपत्ति के ही इर्द गिर्द घूमती है, बल्कि economics की जो definition है वो संपत्ति के अलावा और भी कुछ कहती है. और यहाँ तक कि एडम स्मिथ की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ संपत्ति और वेल्थ के इर्द गिर्द घूमती है, और वो ह्यूमन बीइंग को बहुत कम इम्पोर्टेंस देती है. सो एल्फर्ड मार्शल जब अपनी डेफिनेशन के साथ आए तो उनकी जो डेफिनेशन थी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन थी. सो टुडे वी विल रीड अबाउट वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन. Right, so we are going to read about this today. Now, this definition was given by whom? Alfred Marshall. Alfred Marshall. Now, what did he say? He said that economics is the study of mankind in the ordinary business of life. उन्होंने कहा economics is the study of, what did he said? He said economics is the study of mankind in the ordinary business of life. Now what Alfred Marshall said was कि जो economics है वो उसकी study है जो कि human being अपनी ordinary life में रोजमर्रा करता है. तो economics क्या है? जो usually हम सारे काम करते हैं ना, वो सारे economics के part है. Basically हम जितनी भी economic activities करते हैं, as I told you earlier also, economic activities are those activities which are concerned with money, right? तो जितने भी economic activities हमारी life में, daily life में हो रही है, ordinary life में हो रही है, Alfred Marshall हिसाब से वही क्या था? वही इकोनॉमिक्स थी, राइट? वो आगे कहते हैं, इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन. इट एग्जामाइंस दैट पार्ट ऑफ सोसाइटी. ये उस पार्ट को सोसाइटी को एग्जामाइन करती है विच इज मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद अटेनमेंट विच इज closely connected with attainment of well-being of human. Now इसमें जो keywords definition में ये आपके है well-being of human, then mankind, right? These all society. So जो एल्फर्ड मार्शल की डेफिनेशन है ये बेसिकली किसके बारे में बात करती है? ये लोगों से जुड़ी हुई डेफिनेशन है, जो लोगों के वेल बीइंग होने के बारे में बात करती है, लोगों के भले होने के बारे में बात करती है. Thus it is on the one side a study of wealth and on the other side it is study of man. So जो आपकी वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन है ये दो चीजों को जोड़ के बनी है, एक तो वेल्थ को जोड़ के बनी है और एक लोगों के वेलफेयर को जोड़ के बनी है, या मैन को लेके बनी है, वेलफेयर ऑफ मैन भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है? तो ये दो चीजों का जो मिक्सचर है दैट इज योर वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन. राइट? सो हमने इससे पहले देखा कि हमने पढ़ा वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन जिसमें सिर्फ एडम स्मिथ ने
वेल्थ के बारे में बात करिए, लोग कैसे वेल्थ क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करिए, वेल्थ कैसे एक्युमुलेट होती है, जमा होती है उसके बारे में बात करिए, लेकिन वहाँ पे इंसान के बारे में, ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई बात नहीं की गई थी। लेकिन एल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया, एल्फ्रेड मार्शल ने नई डेफिनेशन दी, और इस डेफिनेशन में किसके बारे में बात की गई, इस डेफिनेशन में बात की गई लोग इंसानों के बारे में बात की, सोसाइटी के बारे में बात की गई, और वेल्थ के बारे में भी बात की गई। नाउ हम पढ़ेंगे व्हाट आर द इंपॉर्टेंट फीचर्स, हम ये देखेंगे क्या खास बातें हैं। नाउ वी रीड द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ, किसके इंपॉर्टेंट फीचर्स, एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन के इंपॉर्टेंट फीचर्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फीचर्स, वी मीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है उसमें। सो मेन फीचर्स, मेन फीचर्स के बारे में बात करते हैं, तो क्या क्या मेन फीचर्स है। फर्स्ट इज योर स्टडी ऑफ मैनकाइंड, पहला जो मेन फीचर है वो है स्टडी ऑफ मैनकाइंड। राइट, सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन की, या हम बोलेंगे इसको वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन की, इज दैट दैट इट टॉक्स अबाउट द मैनकाइंड, इट टॉक्स अबाउट द इंडिविजुअल, द सोसाइटी, द ग्रुप ऑफ पीपल, ऑल होमो सेपियंस स्पीसीज, इट टॉक्स अबाउट देम। राइट, बिकॉज किसी भी इंसान के बिना, या अगर इकोनॉमी में कोई लोग ही ना हो, मैनकाइंड ना हो, इंसान ही ना हो, तो इकोनॉमी किस बात की। सो वेल्थ की डेफिनेशन एक तरफ से वेल्थ की बात करती है, जो कि एडम स्मिथ ने दी, वो इंसानों के बारे में कोई बात नहीं करती, उनके भलाई के बारे में कोई बात नहीं करती है, बल्कि एल्फ्रेड मार्शल की डेफिनेशन किसके बारे में बात करती है, मैनकाइंड के बारे में बात करती है। ही नाउ इसमें होता क्या है, वेल्थ प्रोवाइड्स द मींस फॉर एग्जिस्टेंस, कंफर्ट एंड एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ। ही बिलीव दैट वेल्थ इज नॉट एन एंड बाई इटसेल्फ बट ओनली अ मींस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो एल्फ्रेड मार्शल का कहना ये था कि वेल्थ अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन वेल्थ का उपयोग करने के लिए, यूज करने के लिए मैन का या ह्यूमन का, ह्यूमंस का या मैनकाइंड का होना क्या बहुत बहुत जरूरी है। ओके, मैन विच ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। तो हियर मैन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल प्लेस इन इकोनॉमी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो पहला मेन फीचर है वो क्या है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड। ठीक है, तो आपका एल्फ्रेड मार्शल के हिसाब से मैन इकोनॉमिक्स क्या है, मैनकाइंड की स्टडी है, उसके बिहेवियर की स्टडी है, उसके डिसीजंस की स्टडी है, उसके उसके वेल बीइंग की स्टडी है। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट फीचर इज द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। Now, according to Alfred Marshall, जो second important main feature है वो क्या है कि आप कि ये जो welfare oriented definition है Alfred Marshall की, it revolves around the ordinary things which all people are doing. All the things which are done ordinarily in the life of the people is what the study of economics is. Like हमारे बहुत सारी चीज़ें activities होती हैं, हम social activities करते हैं, हम emotional activities करते हैं, financial activities करते हैं, तो वो सभी क्या है, economics का हिस्सा है, political activities करते हैं। The ordinary business of life is concerned with income earning and income spending. तो यहाँ पे basically हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं income earning के बारे में, income कैसे earn की जाती है, and income spending के बारे में, and spending of इनकम। राइट, हम जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं उस पर बेसिकली इनकम अर्निंग और इनकम स्पेंडिंग के बारे में बात की गई है। इकोनॉमिक स्टडीज हाउ पीपल अर्न मटीरियल मींस, और हाउ डू दे अर्न मटीरियल थिंग्स, हाउ डू दे अर्न मनी, एंड हाउ डू दे स्पेंड फॉर वेलबींग। राइट, पैसा कैसे कमाया जाएगा और उसे कैसे खर्च किया जाएगा इंसान के वेलबींग होने के लिए, दिस इज व्हाट द वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ economics talk about. The third important feature, which is the important feature of the welfare oriented definition, is study of material welfare. Study of material welfare. Now, इसमें वो क्या बोलता है,
इसमें बोलता है यूज ऑफ मटीरियल थिंग्स. डेफिनेशन कहती है कि कैसे मटीरियल थिंग्स को यूज करें, मटीरियल थिंग्स फॉर वेलबींग ऑफ सोसाइटी, राइट. अब नाउ द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द स्टडी ऑफ मटीरियल वेलबींग. ये कहता है दैट अकॉर्डिंग टू हिम इकोनॉमिक्स इज नॉट कंसर्न विद टोटल ह्यूमन वेलफेयर बट इट इज कंसर्न विद मटीरियल वेलफेयर ओनली, राइट. नाउ इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू मार्शल इकोनॉमिक स्टडीज ऑल दोज मटीरियल थिंग्स विच कैन बी यूज फॉर द वेल बींग ऑफ द सोसाइटी. आपके पास मटीरियल थिंग्स है, बहुत सही बात है, लेकिन आप उसको सोसाइटी के लिए कैसे यूज कर रहे हो, लोगों के वेलबींग के लिए कैसे यूज कर रहे हो, ये क्या है, स्टडी ऑफ वेलबींग है. अगर आपके पास बहुत ज्यादा वेल्थ है, बहुत पैसा है, बहुत मनी है, लेकिन आप उसको वेलबींग के लिए यूज नहीं कर रहे हो, तो ऐसे पैसे का कोई मतलब नहीं है. तो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये कहता है कि स्टडी ऑफ व्हाट, स्टडी ऑफ मटीरियल वेलबींग. नाउ द फोर्थ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ द अनदर इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द एल्फर्ड मार्शल्स डेफिनेशन ऑफ वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन इज दिस दैट this definition has totally excluded the non-economic activities. Now, what are non-economic activities? Non-economic activities are those activities which are not done for profit, which is not done for money. So, Alfred Marshall की जो definition है ये बहुत ज़्यादा जोर देती है इस बात में कि हम यहाँ पे economic activity को non-economic activity को क्या कर दिया गया है, totally exclude कर दिया गया है. यहाँ पे इस non-economic activity के बारे में कोई बात ही नहीं की गई. नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आपकी रिलीजियस एक्टिविटी हो सकती है, आपकी सोशल एक्टिविटीज हो सकती है, आपकी पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो सकती है. तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज आप पैसों के लिए नहीं करते हैं. इफ यू आर गोइंग टू टेम्पल और मॉस्क और चर्च, यू आर नॉट गोइंग देयर फॉर मनी, यू आर गोइंग देयर फॉर योर फॉर सेटिस्फाइंग योर इमोशंस, फॉर सेटिस्फाइंग योर रिलीजियस रिक्वायरमेंट्स. सो ऐसी चीज़ों के बारे में एल्फर्ड मार्शल की डेफिनेशन बात नहीं करती है जो कि पैसे से जुड़ी भी नहीं है, राइट. So these are some important definitions, the important points of what, of welfare oriented definition. Now his definition, Alfred Marshall definition was also criticized by other economists. Now the other economists, those who criticized his definition were the people who came up with the scarcity definition. इसके बाद जो definition आई थी उसके scarcity से जुड़ी हुई definition थी. तो Robbins, Lyell Robbins जो थे और इसके अलावा और भी बहुत सारे economists थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने Alfred Marshall की definition को, wealth welfare की definition को क्या किया, criticize किया. So if we just talk about the criticism, so इनकी definition भी क्या की गई, criticize की गई. तो हम हर बार जिन definitions को पढ़ेंगे इनके criticism भी पढ़ना पड़ेगा. So criticism. Now, what was the criticism? The criticism was impractical classification of activities. Now, here, impractical classification of activities. Right? Now, सबसे पहली जो important बात है वो ये है कि एल्फर्ड मार्शल की वेलफेयर ओरिएंटेड डेफिनेशन को सबसे पहले क्या किया गया, उसकी बुराई की गई. क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना करना, बुराई करना. ये बोला गया कि जो उनकी डेफिनेशन है वो क्या है, इम्प्रैक्टिकल है. ठीक है, मतलब कैसे, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को क्या किया गया है, बिल्कुल अलग अलग कर दिया गया है. मोर ओवर वेलफेयर इज कंपोजिट एंड इज वेरी डिफिकल्ट टू सेपरेट मटीरियल वेलफेयर फ्रॉम टोटल वेलफेयर. यहाँ पे
इस बात का मतलब ये है कि दो तरह की इकोनॉमिक, दो तरह की एक्टिविटीज होती है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। तो यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में बात की गई है इस डेफिनेशन में, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो रही है वो ये है कि जो क्लासिफिकेशन किया गया है एक्टिविटीज का, उसमें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बिल्कुल क्या कर दिया गया है, छोड़ दिया गया है, उनको नजरअंदाज कर दिया गया है। द सेकेंड क्रिटिसिज्म वॉज मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। जो अगला क्रिटिसिज्म है वो क्या है, मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट है। इसका मतलब क्या है, नॉन मटीरियल थिंग्स को बिल्कुल भी, यहाँ पे नॉन मटीरियल थिंग्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है। नॉन मटीरियल थिंग्स जो है, जितने भी नॉन मटीरियल थिंग्स हैं उनको क्या कर दिया गया है, आर इग्नोर्ड। इग्नोर्ड जितने भी नॉन मटीरियल थिंग्स, व्हेन वी टॉक अबाउट नॉन मटीरियल थिंग्स हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, सर्विसेज के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरह की सेकंड जो बुराई की गई है डेफिनेशन, वो ये की गई है कि अल्फर्ड मार्शल ने क्या किया है, जितनी भी आपकी नॉन मटीरियल थिंग्स है मतलब सर्विसेज है, उनको इग्नोर कर दिया है अपनी डेफिनेशन में। और थर्ड जो बुराई की गई है वो की गई रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। रिस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। नाउ द अनदर क्रिटिसिज्म इज दिस, इकोनॉमिक्स मेनी गुड्स और इकोनॉमिक स्टडीज सेवरल एक्टिविटीज विच हार्डली प्रमोट इकोनॉमिक वेलफेयर। मीन्स देर आर मेनी थिंग्स जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रमोट होती ही नहीं है। लाइक एग्जाम्पल दिया गया है, अगर हम बात करें कुछ चीजें ऐसी है जिनसे इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब जिनसे किसी को भला नहीं होता है, वेलफेयर नहीं होता है, जैसे कि अगर बात करें सिगरेट के बारे में बात करें या हम एल्कोहल के बारे में बात करें, तो ये चीजें भी लोग परचेज करते हैं पैसों से, लेकिन इससे क्या है, इससे लोगों का वेलबींग नहीं होता है। सिगरेट पीने से किसी का भी भला नहीं होगा। तो कुछ चीजें ऐसी है जिनको अलग नहीं किया गया इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन में, कुछ चीजें ऐसी है जो आपको सेटिस्फैक्शन दे सकती है लेकिन आपका वेलबींग नहीं कर सकती, आपको आनंद दे सकती है लेकिन वेलबींग नहीं कर सकती है। तो इस तरह की चीजों के बारे में भी क्या किया गया है, अल्फ्रेड मार्शल ने क्या किया है, ध्यान नहीं दिया है, इग्नोर कर दिया है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर। वेग कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियल वेलफेयर। Now the another important criticism is this, कि vague मतलब unclear, vague मतलब unclear, जो clear ना हो। So जो concept है, जो material concept दिया गया है वो क्या है, वो बिल्कुल भी clear नहीं है। The welfare definition of given by Marshall is not clear. It differs according to time, place and individual. Thus welfare cannot be measured in objective terms. तो यहाँ पे वेलफेयर को आप किस तरह से मेजर करने वाले हो, या वेलफेयर के बारे में क्या डिटेल्स है, ये वेलफेयर कितने तरह के हो सकते हैं, इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। कौन सी चीज किस तरह का वेलफेयर देगी, इसके बारे में भी नहीं बताया गया है। तो जो पांचवा चौथा पॉइंट है वो ये है दैट द डेफिनेशन ऑफ मार्शल्स इज वेग एज फार एज द मटीरियल वेलफेयर इज कंसर्न, राइट। So these were the criticism which were given by the economist, and it was felt that a new definition of economics should emerge. क्योंकि पहली definition को भी ignore कर दिया गया या criticize किया गया, जब wealth की definition आई तो उसे criticize किया गया, जब welfare की definition आई तो उसे भी criticize किया गया, मतलब criticize मतलब बुराई की गई, उसकी आलोचना की गई। फिर third definition आई जो किससे जुड़ी हुई थी, scarcity से जुड़ी हुई थी, and this was your The next is scarcity definition. The next was the scarcity definition. Definition, ठीक है? और ये this was given by whom? This was given by Lionel Robbins. Lionel Robbins. ठीक है, एंड अबाउट दिस वी आर गोइंग टू डू इन अवर नेक्स्ट वीडियो, एंड यू पीपल कीप मेकिंग योर
notes that I am providing you. Okay, and soon we'll be sending you the project list also. So keep doing your work, stay at home, stay healthy.